जनता पार्टी गोवा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है, वही अन्य दल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इन दलों का इतिहास हम देखें, कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं, तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इनको सत्ता मात्र इसलिए चाहिए, भाई हमारी आवाज कौन बंद कर सकता है यार, इन पार्टियों को विशेष रूप से कांग्रेस को इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता का भी कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस कोई भी क्रेडिबिलिटी गोवा के मन में तैयार नहीं करती। अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहां की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है MGP, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति TMC ने की, गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ये सूटकेस लेकर आई और सूटकेस के भरोसे पार्टी के एक्सपांशन का उन्होंने प्रयास किया, मानो गोवा एक मार्केट हो और वहां के नेता ये मार्केट में फॉर सेल हो, इस प्रकार का भाव जो तृणमूल कांग्रेस का दिखा। और फिर कांग्रेस के कई नेता, अलग अलग नेताओं को जिस प्रकार से उन्होंने लिया और वहां की बातें अगर सुनी जाए तो लोग तो कहते खरीदा, पर ठीक है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन बावजूद उसके अब लोगों के मन में तृणमूल कांग्रेस कोई भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती, क्योंकि उसका जो स्टैंड रहा है तृणमूल कांग्रेस का, लोग ये समझते हैं कि इनका स्टैंड ये एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक है। बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार का बर्ताव तृणमूल का रहा है, गोवा के लोग ये मानते हैं कि ये पार्टी गोवा के लिए सुटेबल पार्टी नहीं है। और दुर्दैव से गोवा की होमग्रोन पार्टी जो है MGP, इन्होंने उनके साथ अलायंस किया और इस अलायंस के कारण MGP के केडर में इतना असंतोष है कि उनके जो नेता चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे कई नेताओं ने मना कर दिया। कुछ नेता और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि पूर्व में MGP BJP के साथ रही है। तो ये सारे के सारे नेता, ये जो TMC का एक प्रकार का एंटी हिंदू स्टैंड है, एक प्रकार का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और इसलिए ये जो अलायंस है, ये अलायंस भी कोई लोगों को बहुत इंस्पायर नहीं कर रहा है।
तीसरी पार्टी यहां जो आई हुई है वह है आप। आपने हमेशा की तरह सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना और झूठ की बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी है, और वही काम उन्होंने गोवा में भी करके देखा, पिछले चुनाव में भी किया, लेकिन पिछले चुनाव में भी लोगों ने उनको गोवा में नकारा और इस चुनाव में भी गोवा में उनको निश्चित रूप से नकारा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में आप जो गोवा में या बाकी जगह जाकर वो शोकेस करते हैं उसकी दिल्ली में परिस्थिति क्या है ये लोगों ने देखा है। जगमगाती बिजली का नारा आप पार्टी ने दिया था, और जैसे ही अभी बीच में केजरीवाल जी ने कहा कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ा कि भले मुफ्त मत दीजिए पर हमको बिजली दीजिए, क्योंकि इतने बार पावर कट होता है, और लोगों ने एक प्रकार से उसका मखौल बनाया। और लोगों ने यह भी कहा कि गलती से 200 के ऊपर 201 यूनिट हो गया तो पूरा बिल देना पड़ता है, कोई सब्सिडी मिलती नहीं है, और यह सारी चीजें लोगों के सामने है। दिल्ली में वाटर सप्लाई के संदर्भ में भी उन्होंने जो एक आश्वासन दिया था, अंत में मोदी जी की सरकार की योजना हर घर नल, उस योजना के माध्यम से आज यहां पर सारा काम जो है वो काम हो रहा है और लोगों के घर में जल पहुंच रहा है। ये कोई केजरीवाल जी की सरकार इसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। इतना ही नहीं तो जिन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में इतनी हाइप तैयार की गई थी, एक तो जो उन्होंने खुद टारगेट कहा था 750 का, करीब 430 440 मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो पाए, उसमें से भी मार्च 2020 में 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। और इतना ही नहीं तो लोगों के भी ये ध्यान में आया कि जब कोरोना जैसी आपत्ति आती है तो मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं है, वहाँ पर कोई भी मर्ज की उस दवा नहीं है या कोई भी वहाँ पर इलाज मिलता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आप पार्टी ये गोवा में भी आकर अलग अलग प्रकार के आश्वासन दे रही है, लेकिन लोगों को उनका भी सत्य पता है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपके बारे में भी लोगों के मन में कोई विश्वास है।